हेलो किसान साथियों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार और अपने चैनल आरके एग्री सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं शिमला मिर्च की खेती के बारे में। क्या हुआ है कि अब समय आ चुका है शिमला मिर्च का, क्योंकि बहुत सारे किसान तो जून से ही शिमला मिर्च, जुलाई से ही कोशिश करते हैं, तो किसान तो वो अच्छा समय नहीं होता नर्सरी का भी। अभी अगस्त और सितंबर अक्टूबर में आप शिमला मिर्च की नर्सरी डाल करके आप शिमला मिर्च को लगा सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च एक ठंडे मौसम की फसल है। किसान साथियों, अगर आप इसको गर्मी में लगाएंगे तो इसका ग्रोथ बहुत ही कम होगा। किसान साथियों, फल का जो साइज होगा बहुत छोटा रह जाएगा और फल मिर्च के पौधे पर लुटरापन, मतलब पौधे में जो होता है ना लुटरापन, व्हाइट फ्लाई का प्रकोप बहुत ज़्यादा होगा, तो आप लोग उसका उस प्रकार से आप लोग उसका केयर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये ठंड की सीजन, इसलिए हमने इसका लेट वीडियो बनाया। तो आपको वैरायटियों के बारे में बताऊंगा कौन सी वैरायटियाँ अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है। तो जो भी वैरायटी बताऊंगा किसान, तो लगभग सभी वैरायटियाँ अच्छी हैं। तो आपके मार्केट में जो भी वैरायटी आपको अवेलेबल हो, आप उस वैरायटी को ला करके अपने यहाँ नर्सरी डाल सकते हो किसान साथियों। तो चलिए एक एक करके आपको सभी वैरायटियों के बारे में बताता हूँ किसान साथियों। तो उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। किसान साथियों, शिमला मिर्च की जो वैरायटी आपने आपको बताया, उसमें से पहली वैरायटी है डेलिसा 2037 वैरायटी है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है किसान साथियों, आप इसकी नर्सरी अगस्त सितंबर तक आसानी से डाल सकते हैं और अच्छा खासा लगा सकते हैं किसान साथियों। इसकी नर्सरी आप जून और जुलाई में डालेंगे, उस टाइम क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उस समय नर्सरी भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है किसान साथियों। तो आप इसकी नर्सरी अगस्त सितंबर में आराम से डाल करके लगा सकते हैं किसान साथियों। नेक्स्ट वैरायटी हंटिंगटन, जो कि सेबनिस की काफ़ी महंगी वैरायटी है किसान साथियों, लगभग 1100-1200 का 10 ग्राम बीज है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से महंगी है उसी हिसाब से काफ़ी अच्छी वैरायटी ये भी देखने को आपको मार्केट में मिल जाएगी किसान साथियों। इसकी भी नर्सरी आप अगस्त सितंबर जुलाई से लोग 15 जुलाई के बाद डालना शुरू कर सकते हैं, इधर अगस्त सितंबर तक पूरा आप इसकी भी नर्सरी डाल सकते हैं। चलिए किसान साथियों, नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं, सकाटा कंपनी के योकोमा है, काफ़ी अच्छी वैरायटी ये भी है किसान साथियों, आप इस वैरायटी को भी लगा के नर्सरी डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है आपकी, इधर जनवरी फरवरी मार्च तक आपकी चलेगी। गर्मी जब तक हाई टेम्परेचर की नहीं आएगी तब तक ये होगा, क्योंकि गर्मी में शिमला मिर्च होना बहुत मुश्किल हो जाता है किसान साथियों। नेक्स्ट है हाईवेज कंपनी का ग्रेस वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी ये भी है किसान साथियों, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। अभी तक जो भी मैं वैरायटी बता रहा हूँ सभी अच्छी वैरायटी, आपके यहाँ मार्केट में जो भी वैरायटी अवेलेबल हो आप उस वैरायटी को ला करके लगा सकते हैं। एक है एडवांटा कंपनी का 102 वैरायटी किसान साथियों, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। आपको पता हम सभी चीज़ों की अच्छी से अच्छी वैरायटी चूज करके आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट है किसान साथियों, सेमनिस कंपनी की 1865 एक ही, ये भी अच्छी वैरायटी है, आप इसको भी मार्केट से लगा सकते हैं। यह वैरायटी उससे सस्ती है, क्योंकि होता गया कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में हर एक वैरायटियों के अलग अलग रिकमेंड किया जाता है सेम वैरायटी नेम से। इसके अलावा किसान साथियों, एक सिजेंटा कंपनी की इंदिरा वैरायटी है, आप उस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। हमने इसमें फ़ोटो में इंक्लूड करना उसको भूल गए हैं, इंदिरा एक वैरायटी है, आप उस वैरायटी को भी लगा सकते हो किसान साथियों। बस आज के लिए इतना ही किसान साथियों, हमने जो भी वैरायटी आपको बताना तो बता दी। अगर आप लोगों को दिक्कत होती है कमेंट करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हो और हमसे बातें भी कर सकते हो। धन्यवाद।